फ्रेंड, पिछले दो क्वार्टर खराब जाने के बाद टाइटन ने अब बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई, क्योंकि कोविड की वजह से इस बिजनेस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, इसी वजह से पिछले दो क्वार्टर खराब रहे थे। मगर इस साल आप देख सकते हो, पिछले साल जो अगर 6,454 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, वो इस साल 7,243 करोड़ आई, यानी कि 12% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ देखने को मिली। और फ्रेंड्स, टोटल इनकम की बात करें तो 6,650 करोड़ से बढ़कर 7,659 करोड़ रही, तो यहाँ पर भी शानदार दिखाई दे रही है, क्योंकि 11 से 12% की ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही। मगर फ्रेंड्स, प्रॉफिट 474 करोड़ था जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में, वहाँ से बढ़कर 530 करोड़ रहे, यानी कि यहाँ भी 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है यह बिजनेस वापस पिकअप करेगा और आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी के शानदार नतीजे आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये शेयर ऑलरेडी रैली काफ़ी अच्छी कर चुका है, तो मुझे लगता है कल शायद शेयर में बहुत खास इम्पैक्ट देखने को ना मिले, क्योंकि आज नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। और इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, आप यह देख सकते हो जो इसका मेन सेगमेंट है ज्वेलरी, जो पिछले साल 5,606 करोड़ के आसपास की सेल थी, वो इस साल 6,836 करोड़ रही, तो कंपनी के मेन सेगमेंट में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और ज्वेलरी में आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, जो पिछले साल 704 करोड़ का था, वो इस साल 766 करोड़ है, तो ओवरऑल फ्रेंड्स बहुत ही शानदार नतीजे मानने चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो वापस से पिकअप करने लगा है और शानदार ग्रोथ दिखा रहा है।